अस्सलाम वालेकुम, आई एम रुबीना खान, आरके डॉट टेलीविजन। भाई स्कूल के टाइम में खत्म हो गए, हम फ्री हो गए, तो ये आज हमारी रेहाना भी आ गई है जल्दी, बोले बहुत देर से आती हैं। और ये हमारी फेमिदा है, हम इन्हें प्यार से कहते छोटी। ये कहते मैडम आप छोटी क्यों बोलती हैं, वो अपने कब से मार खा गई, काम बड़े बड़े करती है। तो इसलिए और मैडम भी बैठी हुई है, लेकिन मैडम कैमरे के सामने नहीं आती है, बात करती है। जी क्या क्या खुशियां हैं, दोनों कैसी हैं? मेरे सामने आए, मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं, खासतौर पर फहमीदा मेरे साथ तो बहुत अच्छे से है। अच्छा, 5 से 6 साल हो गए हमारे घर पे आते हुए इसको। रेहाना अच्छी नहीं है? रेहाना स्कूल आती है, मेरे घर पे नहीं आती है। वो अपनी रेहाना अपने यहाँ से अच्छी है, रेहाना अच्छी नहीं है? अच्छी है, ये रेहाना है, ये रेहाना है, ये अच्छी नहीं है। आज ये जल्दी आ गई है, ये 3 बजे आती है। ये फहमीदा आप बोलिए, आप बोले मैडम कैसी है आपकी? अच्छी नहीं है ना मैडम? मिस मैनेज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आज चले अब रेहाना आप बोलिए। भाई रेहाना एक बात बताइए, ये जो हमारे क्या कहते हैं फहमीदा है, ये तो लेट क्यों आती है? क्यों मुझे कह रही है 8:30 बजे में आता, 8:30 बजे आई हूँ, लेकिन आती हूँ मैं 8:30-9 बजे आती हूँ। और जाती किस टाइम पर है? जाते ही घड़ी में 2 बजे और शुरू 2 बजे तो मुझे लगने में तो काम होता है ना, अभी मैडम के घर भी ज्यादा काम करना। ये थोड़ा काम कर करके थोड़ा घिस गई है, ऐसे छोटी हो गई है, बड़े ज्यादा काम कर लिया इन्होंने। और ये हमारी रेहाना जो है ना, इन्हें बहुत काम है, जब देखो जल्दी से काम करूंगी मैं और जाऊंगी, मुझे ये खाना पका, जल्दी कर ले। अगर हम ऑफिस में बैठे हुए होते हैं तो ये कहती है मैडम जल्दी से उठ जाए, खाना पकाना गैस चली जाएगी। एक तो सबको टेंशन है गैस की, गैस चली जाएगी। लोगों ने जान रात को बड़े डर के छोले उबाले, डर के हर काम किया है, कहीं ऐसा ना हो गैस चली जाए। भाई अब तो हम टाइम से पाबंदी करते, क्यों मिस आप भी यही कर रही थी? हाँ सभी परेशान थे गैस की वजह से, ऐसा ना हो कि गैस चली जाए, गैस चली जाए। मालूम हुआ छोले उबाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े छोले कितने से होगा चूल्हे पर दम करने के लिए, और ये हो रहा है कि कहीं गैस में चली जाए। अभी तो हमारी बिरयानी बहुत छोटी सी हो गई है। रेहाना के लेवल में बड़ा मुश्किल होगा, मैं नीचे आना पड़ेगा। हाँ भाई फहमीदा बताइए, गैस चली जाती है आप किस तरह खाना पकाते? जब गैस चली जाती है मैं इंतजार करती हूँ, जब गैस आती है तो जब ही पकाती हूँ। गैस आए नहीं तो फिर क्या करोगी आजकल? तो बैठे रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसको लगा के पकाते। किस पे? ईट वाला चूल्हा वाला। अच्छा वो भी बना लिया? आप क्या करती हैं मैडम अगर गैस नहीं होती तो? सबर करते हैं हम, सबर करते हैं और इंतजार करते हैं गैस आ जाए। हम सिलेंडर यूज करते हैं और उसका प्रेशर बहुत हल्का रखते हैं। जब आप हल्का रखते हैं प्रेशर तो बहुत आराम से एहतियात के साथ आप सिलेंडर यूज कर सकते हैं। नहीं हम नहीं कहते, हमें बहुत डर लगता है, नहीं तो एक होता है ना, डर खत्म हो जाता है। वही देखे, हम तो चाहते हैं कि मिट्टी का जो तेल का चूल्हा होता है, जो बत्ती वाला होता है ना, वो इस्तेमाल करें, वो अड्डे का डर नहीं होता। और जिसमें एक चूल्हा होता है जिसमें प्रेशर के साथ हवा, इस महंगाई के दौर में मिट्टी का तेल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। जो 300 रुपए किलो है इसको 320 रुपए जी, 320 रुपए है, लेकिन मिट्टी के तेल के मुकाबले में गैस कम जलती है। मिस आपने वो क्या कहते हैं फहमीदा, आपने सही किया, 2 हीटर रख के चूल्हा बना लिया, बिल्कुल सस्ता तरीन ये है और यही करना चाहिए। अब पाकिस्तान जो है वो पुराने जमाने में वापस जा रहा है। नहीं हम वहाँ जा रहे हैं, वापस पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हमारे जिंदगी पीछे जा रही है जी। जिस तरह तमाम चीजें महंगाई की हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो अब लोग क्या करें बेचारे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या कहते हैं
खर्चा पूरा करने के लिए। अब वो पुरानी वाली हमारी दादी नानियां कहती है कि वो एक बाल्टी लेते थे उसमें चूल्हा बनाते थे, अब वही चूल्हे बनेंगे और अंगीठी जिसको कहते हैं अंगीठी की मिट्टी की, जैसे अभी भी गांव देहातों में जो हो रहा है वही ना, दादी की बाल्टियां हुआ करती थी ना। कराची एक तरक्की याफ्ता शहर है, उसके बावजूद यहाँ के लोग अब कोयलों पे पका रहे हैं, अंगीठियों पे पका रहे हैं। और अब तो पता ही नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कोयले ले रखे और ना उसे चूल्हे पे रख देते हैं, गैस के चूल्हे पे, और ना उसे आग लगा देते हैं। वो आग भी तो इतनी मुश्किल से लगती है, उसके ऊपर आग भी, हाँ चूल्हा भी खराब हो जाता है। अब एक नहीं, अगर किसी ने बिरयानी रखी हुई है दम पर तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा ऐसी ना। लेकिन अब हम भी बोल रही हैं कि कोयले भी वो पुराने वाले नहीं आ रहे हैं। इसका आसान हल ये है कि आप सिलेंडर खरीद लीजिए। सिलेंडर से हमें डर बहुत लगता है, इसलिए कि हमारे भाई के घर में फट चुका है। याद रखा है, अब हमें डर नहीं लगता जब से यूज कर रहे हैं सिलेंडर। वैसे सिलेंडर बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन जरूरत तो है लेकिन खतरनाक भी बोलते, देखे साइड इफेक्ट तो होते हैं ना हर चीज़ के। एहतियात चढ़ते फुल प्रेशर खोल के कभी नहीं, क्या कहते हैं, कह रही है पहले जो कोयले आते थे ना उसमें आग लगती थी, उसमें आग लग जाती थी, आराम से लग जाते थे ना, बारूदा बन जाते हैं। हाँ वो बारूदा सा बन जाते हैं उसमें, वो कोयले में भी वो बात नहीं रही है अब ना। कोयले भी चिटिंग कर रहे हैं वहाँ। भाई हमें फेमिदा का तरीका पसंद आया है, दो हीटर रखो, चूल्हा बना लो, सस्ता तरीन बस खत्म। और एक फूकनी होती, फूकनी फूकनी क्या होती है, लकड़ी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ नहीं, लकड़ी की भी, कोयलों की, सब चीज की, लेकिन वो सस्ता है। लेकिन एक मसला उस पे ये भी तो है, कोयलों से जो है वो कह रहे हैं सांस की बीमारी हो जाती है, धुआं उठता है तो आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है। लास्ट टाइम जब हम हॉस्पिटल गए थे बाजी को लेकर, तो वहां पर यही केस सामने आ रहे थे तमाम लंग्स के, कि वो स्मोक उठ रहा है जिसकी वजह से जो है लंग्स की बीमारी हो रही है। तो मेजोरिटी जो है जो गांव से जो विलेज से आ रहे थे पेशेंट्स, तो उसमें यही मसला था कि वो लोग जो है गैस यूज नहीं करते हैं, कोयले यूज करते हैं, तो लंग्स की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप इसमें जो है हम क्या करें फिर, इसके लिए तो फिर सिलेंडर ही सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ नहीं कर सकते, यूं हाथ रखे, यूं सोचे, टाइम देखे कब आएगी, बस ये कर सकते हैं। अगर हमें धुएं से बचना है तो भाई धुआं तो सब में उठता है ना, चाहे वो जो सिलेंडर है वो बर्तन काले कर देता है। नहीं, अगर आप सिलेंडर में सिलेंडर वाला ही चूल्हा यूज करेंगे तो वो बर्तन काले नहीं करता है। चले ये तो वो बहस है गैस की जो कभी खत्म नहीं होगी, ना हमारे पाकिस्तान में गैस आएगी, ना हमें गैस मिलेगी, ना ये गुफ्तगू खत्म होगी। इसलिए फेमिदा को भी देर हो रही है, मिस ना दिखाए फेमिदा को भी देर हो रही है, फेमिदा जा रही है। और रेहान बहुत कामिदा है, काम करने वाली, काम करने वाली, आज जल्दी आ गई ना, इसलिए कह रही जल्दी से जाओ, आप इनको काम करने दीजिए, नहीं तो गैस चली जाएगी। खाना मैंने बनाया है, रोटी बना ली है। चले चले, टाटा बाय बाय कर दे, अल्लाह हाफिज। हाँ जी चले भी, आज हमने ऐसे ही बातें की, तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। आपके मोबाइल पे भेजूँ? अच्छा जरूर भेजूंगी मैं आपके मोबाइल पे। तो फिर अभी इजाजत दीजिए हमें, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।